हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के कोविड में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 18 लेके आए हुए, तो आप सभी इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी देखिए, अनअकैडमी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बीपीएससी के लिए विजय बीपीएससी फाउंडेशन के नाम से एक बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए है। ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 9 फरवरी 2021 से और एंड होंगे 10 नवंबर 2021 को, जो कि सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाए जाएंगे बीपीएससी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी करें, तो बिहार एसआई के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी 2021 से और एंड होंगे 30 मार्च 2021 को। और इसके अलावा अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके और मेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, तो अनअकैडमी पे अभी 60 डे का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है बीपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारा आपको बेनिफिट दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, तो आप सभी आज ही सब्सक्रिप्शन लें और आप सभी कोड में युवा10 का प्रयोग करें, जिससे कि आपको डायरेक्ट 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएंगे अनअकैडमी पे। तो आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन करें, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, नेपा नगर अखबारी कागज मिल कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, नेपा नगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कृषि विज्ञान क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी साथियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया। सी राइट आंसर रहेंगे, लिब्राहन आयोग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देंगे, लिब्राहन आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं हर एक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे, यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे, सी ने गॉग के नाम से जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक करे थे, बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी साथियों का। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था। तो हम से कह सकते हैं माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था, बी राइट आंसर है। चलिए बताइएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। तो यह बनी थी 1966 में, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है। तो यह संबंधित है प्रतिभूति घोटाले से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि सोनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, सोनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, सोनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो हमसे कह सकते हैं टेनिस से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है। चलिए बताइएगा, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है।
डी राइट आंसर रहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आपसे बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की आर्द्रता मापने के लिए, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा जमशेदपुर किस नदी के तट पर है, तो हम सीख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। चलिए बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो हमसे कह सकते हैं भूमध्य रेखा का। भूमध्य रेखा का वृत्त सबसे बड़ा होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं तो इनका संयुक्त प्रतिरोध होगा, तो संयुक्त प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर रहेंगे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर रूपांतरित करता है। चलिए बताइएगा मोटर रूपांतरित करता है, तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे केवला देव अभ्यारण किस राज्य में है। चलिए बताइएगा केवला देव अभ्यारण किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। भारी उद्योगिकीकरण का पक्षधर नेहरू थे पर गांधी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है, तो ए राइट आंसर रहेंगे वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है बिल्कुल सत्य है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्रयोग होता है बिल्कुल सत्य है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग होता है यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, प्रकाश संश्लेषण में O2 नहीं बल्कि CO2 का प्रयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 बाहर निकलता है यह भी सत्य है, तो सत्य क्या नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे RBI के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो हम सभी कह सकते हैं विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी को यहां टिक कर सकते थे, आप सभी कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो हम सभी कर सकते हैं बढ़ता निवेश। बढ़ता निवेश क्या है, निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है, सॉरी सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति एवं राज्य दोनों का सुरक्षा करता है, सी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? चलिए बताइएगा दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो हम से कह सकते हैं लेटिक अम्ल पाए जाते हैं दही में, लेटिक अम्ल दही में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? चलिए बताइएगा महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो हम से जानते हैं काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में, जो कि कपास की उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह दक्षिण भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे आपका गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ये सभी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बी राइट आंसर है बड़ा धनियागर, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी, जो कि 1922 में इसकी खोज की गई थी, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? 10 मीटर से सांप नहीं देख पा रहा है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो हम से कह सकते हैं निकट दृष्ट हुआ है, निकट दृष्ट दोष हुआ है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करेंगे हम सभी, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? चलिए बताइएगा मौलिक अधिकार को किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं, तो हम से कह सकते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु अध्यादेश जारी करे, तब मौलिक अधिकार को हम निलंबित कर सकते हैं। आप सभी को बताऊंगे मौलिक अधिकार यूएसए देश से लिया गया है, यूएसए देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, तो याद रखिएगा आप सभी ये तीनों फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? चलिए बताइएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो आप सभी कह सकते हैं सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि ये संविधान के भाग 4 को में है, अनुच्छेद 51 को में, 51 को में। क्वेश्चन के लिए नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया है? अग्नि की। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है? चलिए बताइएगा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है, बी राइट आंसर आएंगे 2:1 होता है, 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ पीटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? चलिए क्वेश्चन में 35 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा, किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में, सी राइट आंसर है। देखिए आप सभी बोध संगीति को याद कर लीजिएगा, बोध संगीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी कला क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था, किस क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, तो हम से कह सकते कहां से हुए थे, लखनऊ से हुए थे। इसकी शुरुआत 10 मई को कहां से, मेरठ से, 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई थी, किसका, 1857 के विद्रोह का। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चलिए बताइएगा चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो हम सभी कह सकते हैं एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वर्सिया की संधि द्वारा किसका मार्गदर्शन किया गया? तो यह किया गया था जर्मनी का, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम से कह सकते हैं लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृ देवी की उपन्यास की जाती थी, तो ये सभी सत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये कहां मिलते हैं? चलिए आंसर करेंगे 41 के लिए, ये कहां मिलते हैं,
तो हमसे कह सकते हैं अथर्ववेद में मिलते हैं। वेदों की संख्या कुल चार वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद की बात करें तो अथर्ववेद, जिसे भूत, पितास, जादू, टोना का भी वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, जैन धर्म सप्तमर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चलिए बताइएगा ये कब विभाजित हुआ था। तो ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला का आयोजन मार्च 2020 में कहां किया गया? तो यह किया गया है पुणे में, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो हम से कह सकते हैं ये हुए थे चौथी बोध सभा संगीति में, कहां पे? कुंडल ग्राम में हुए थे, कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देश भर में जीएसटी कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को पूरे देश भर में जीएसटी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमसे कह सकते हैं यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वप्रथम आगमन हुआ था? चलिए बताइएगा बिहार में सर्वप्रथम आगमन किसका हुआ था? तो हमसे कह सकते हैं पुर्तगालियों का सबसे पहले बिहार में आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन पटना कब आया? चलिए बताइएगा साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो हमसे कह सकते हैं 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के सेट में हमसे कुल 50 क्वेश्चन कवर किए, आज के सेट कैसा लगा आपसे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं युवा शक्ति जी के क्विज की तरफ से जो ई बुक को लॉन्च किया गया था, अगर अभी तक उस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया तो आपसे जरूर कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल बुक है आपके लिए तैयार किया गया है, जो बिहार पुलिस स्पेशल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बुक तैयार किया गया है समान ज्ञान का, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी के सारा चीज़ मेंशन किया गया है। तो आप सभी डाउनलोड की रिवाइज जरूर कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल बुक है, इस बुक से 100% क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है आपके एग्जाम्स में, तो आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं बगल में फ्लश हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं काफी हेल्पफुल बुक है, तो आप सभी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी चैनल से नहीं जुड़े वैसे चैनल से जुड़े, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके और आप तुरंत क्लास में जुड़ सकें। और आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद।